मार्जिन की बात करें तो हमें एक मेरे जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो मार्जिन का बात आ जाता है व्हेन यू लैक समथिंग, और ये बोलते बाउंड्री में जो चीजें आ जाती है, जो हमें लैकिंग की बात करें दैट मीन्स मार्जिनाइजेशन। आज गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वहाँ पर एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सेमिनार पर्टिकुलरली एक जो है गुजर कम्युनिटी में जो लोग हैं उनके उनके जो वुमेन हैं उनके लिए था। आइए इसी सिलसिले में यहाँ जो पार्टिसिपेटिंग थे लोग उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज की जो सेमिनार था उसका क्या मेन एजेंडा क्या था। जी, मैं कॉरपोरेटर हूँ JMC में, सिद्रा वार्ड 71 से। बहुत अच्छा माहौल था आज, ये सेमिनार फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पे गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट में वुमेन एम्पावरमेंट पे। ये बहुत अच्छा सेमिनार था यहाँ पे, ये मकसद यही था हमारा। जैसे हमारी ट्राइबल बच्चियाँ, ट्राइबल वुमेन्स घरों से बाहर नहीं निकलती थी, एजुकेशन इतनी अच्छे से हासिल नहीं कर पाती थी, और औरतें मैक्सिमम घरों में रहती थी, ट्राइबल्स के इतना बाहर नहीं निकलते। तो ये एक ओपन डिस्कशन हुई हमारी यहाँ पे सभी की एक साथ कि कैसे हम इस चीज़ को बढ़ावा दें ताकि औरतें बाहर निकलें घरों से और अच्छे से अपनी एजुकेशन ले सकें। तो सभी ने अपने अपने व्यूज़ रखे, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे से सेमिनार। फर्स्ट टाइम ये मौका मिला हम सबको एक साथ बैठने का। हाउसवाइफ्स हैं, उन्होंने अपने व्यूज़ दिए, हम अगर कॉरपोरेटर हैं या DDC या और भी अदर वो हैं, तो सभी ने अपने अपने व्यूज़ रखे। बहुत अच्छा माहौल था और बहुत अच्छे से सेमिनार अभी भी चल रहा है, बहुत अच्छे से। ये मैम ये बताएं कि हालांकि इस कम्युनिटी के जो वीमेन के बारे में आप बात कर रहे थे कि काफ़ी अच्छी पोस्ट भी अच्छी पोजीशन पे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं यहाँ की जो वीमेन फोक हैं वो अभी भी पीछे हैं, लेकिन आपका मेन चैलेंजेस इसमें क्या है? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। आज देखे जाएँ तो ट्राइबल्स की वुमेंस बहुत आगे गई हैं, कहीं अगर आप देखें तो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या जज हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम समझते हैं कि अभी हमारा 100% अचीव नहीं हुआ। बहुत सारी फीमेल्स अभी ऐसी हैं जो अभी अपनी बच्चियों को या खुद भी पढ़ नहीं पा रही हैं, तो हम सब मिल के एक कदम उठाएंगे ताकि हम सब मिल के उस चीज़ को ख़त्म कर सकें और बच्चियों को आगे ला सकें और इस चीज़ को ख़त्म कर सकें। मैम आप बताएं कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप किस तरीके का सोचती हैं कि कदम उठाए जाएँ? मैं DDC सांबा से हूँ, श्रेया बेगम। मैं भी यही चाहती हूँ कि सब बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, और जहाँ चेयरमैन साहब ने आज पहला ही ये रखी मीटिंग, लेकिन बहुत अच्छी लगी, सब हाउस वाइफ सब आए हैं जहाँ पे, और सबसे सब लोगों ने अपने अपने दिल की बातें जहाँ सुनाई, तो जहाँ दिल आके बहुत खुशी हुई हमें। तो मैं यही चाहती हूँ कि सबसे यही गुजारिश करेंगे कि अपने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएँ लिखाएँ। और जी मैम मुझे बताएं जो आज का जो सेमिनार हुआ है, हाँ जी सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो आज का सेमिनार था इसका मेन पर्पस यही था कि हम जो भी वुमेन हैं गुजर कम्युनिटी में उसे कैसे सोशली अवेयर करना है और उसका जो स्टेटस है सोसाइटी में लेकर उस पर आज बात हुई है, जिसमें कि चेयरमैन सर श्याम मोहम्मद चौधरी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी जो कि वुमेन्स के लिए आज यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है, और नेक्स्ट ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होंगे जहाँ पे जो गुजर वुमेन हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट किया जाएगा, उन्हें आगे आने का मौका दिया जाएगा, सो दैट वो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों पे एक्सेल कर पाएँ, सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली वो जहाँ पे अपने आप को पीछे बांधती हैं उन सारी चीज़ों में भी आगे आएँ। और ये जो फाउंडेशन है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, ये जो हमारी वुमेंस के लिए जो इनका काम है और जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इनको आगे मतलब फील्ड में आगे ले जाने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अगर ऐसे प्रोग्राम्स फर्दर करवाए जाएं या सेमिनार्स, तो ये बहुत बड़ा मतलब हेल्प होगी कम्युनिटी के लिए भी और स्पेशली गुजर वुमेन के लिए। गुजर कम्युनिटी के जो खास करके लड़कियाँ हैं दूरदराज के इलाके में रहती हैं, जिनको पढ़ाई के लिए जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, आज के इस जो सेमिनार में उसके बारे में आपको क्या लगता है कि किस तरीके के स्टेप उठाने ज़रूरी हैं कि ताकि उन तक पहुंचा जा सके और उनकी एजुकेशन उनको मिल सके? देखिए जो अर्बन में है, अर्बन में तो मैक्सिमम जो STs वुमेंस हैं वो तो पढ़ी लिखी होती हैं,
या वो प्रोफेसर होती हैं या वो किसी ना किसी फील्ड में वो कुछ ना कुछ करती होती है, उनका ही इस ये जो सेमिनार है इसमें हमें यही कहना है कि जो जैसे दूर इलाके की लड़कियां हैं जब हम भी उन्हें देखते हैं कि वो ऐसे बकरियां चार रही हैं या कुछ वैसा कर रही हैं, हमें ही जाके उनको आगे प्रमोट करना चाहिए कि आप आगे जाओ, कॉलेजेस जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ो। अगर हम उनके पेरेंट्स को बोलेंगे, ऐसे तो उनके पेरेंट्स मानेंगे नहीं, वो तो यही कहेंगे ठीक है ये जो काम कर रहे हैं वो ठीक है इनके लिए, हमने आगे भी जाके यही काम करना है, तो अगर अभी से ये काम करेंगे तो इनका इसी काम में इनकी परफेक्शन होगी। बट वैसा नहीं है, जब तक उनको एजुकेशन नहीं होगी तब तक वो कुछ कर नहीं पाएगी। और ये हमारा ही राइट है कि हम जाके उनको बोलें, जो दूर दराज की लड़कियाँ, हमारा ही राइट है कि हम जाके उनको बोलें कि नहीं आपको एजुकेशन लेनी चाहिए, आपको स्कूल्स में जाना चाहिए, फर्दर स्टडीज़ करनी चाहिए, दैट्स इट। उनके जैसे कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि साथ साथ में अगर वो बच्चे जितने ज़्यादा अगर वो उनके घर के अपने कामों में होंगे तो उनको अपना फ़ायदा होगा, इसलिए शायद ये वजह है कि वो एक नहीं जाते हैं। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल कर पाएंगे? इस चीज़ को यही हैंडल कि हम उनको काउंसलिंग दें, वहाँ पे जाएं, हमारी जो गुज्जर टीम है, गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम है, वो वहाँ पे जाएं, जहाँ के रूलर्स की आप बात कर रहे हो वहाँ पे एक एरिया में जाएं, वहाँ पे जाके काउंसलिंग करें बच्चों को या उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग करें कि भाई जो आपके बच्चे हैं वो अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप अपने बच्चों से भी यही काम करवा रहे हो, नहीं उनको एजुकेशन दो, आप दूसरे बच्चों को देखो जो अर्बन एरिया के लड़कियाँ हैं जो आगे बढ़ रही हैं, जो ऑलरेडी एजुकेशन लेके कुछ ना कहीं एडजस्ट हुई हैं, कहीं ना कहीं प्रोफेसर है, कोई टीचर्स है, कोई कुछ है, आप उनकी तरफ भी देखो, उनको भी देखो कि अगर वो बच्चे कुछ ना कुछ बन सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं, अगर हम कल को इनको अपने साथ लगाएंगे ये भी हमारे साथ ऐसा काम करेंगे, आगे जो हमारी जनरेशन आएगी वो भी वैसा ही काम करेगी। ऐसा ही हो सकता है कि हम जब हमारी जो गुज्जर कम्युनिटी है, हमारी जो टीम है, हम जाके उनको काउंसलिंग करेंगे तो वो आगे, उनके पेरेंट्स को हम काउंसलिंग देंगे तो वो आगे जाके अपने बच्चों को सही सलाह देंगे। आज के सेमिनार के कंक्लूजन होने के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से किस तरीके का आप स्टेप लेने वाले हैं, अपनी तरफ से जो आपकी कंट्रीब्यूशन? मेरी जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे हम भी कहीं जाते हैं, मैं अभी पिछले दिन सुरेंद्र कोर्ट गई थी, जब मैंने वहाँ पे देखा बच्चों को कि बच्चे ऐसे बकरियाँ चरा रहे हैं, कोई ये लेके, मतलब उनकी लैंग्वेज में भी बड़ा डिफरेंस था, तो मेरा भी था कि मैंने उनसे पूछा जाके कि आप ये करती हो, आप पढ़ती क्यों नहीं हो, आप कहती हमारे स्कूल से बंद हुए एक साल हो गया, तो मैंने कहा ऑनलाइन क्लासेस वो टीचर्स लेते हैं नहीं लेते हैं, मतलब मेरा भी मन था कि मैं जाऊँ उनके स्कूल्स में जाऊँ उनको बोलूँ कि आप बच्चों की कहाँ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, कहाँ आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, मतलब यही मोटिव है मेरा भी कि अगर मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे भी ये बच्चे दिखे मैं भी उनको काउंसलिंग करूँ कि बच्चे आप स्कूल जाओ, ये स्टडीज़ करो, एजुकेशन लो, एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर ऑल एसटी एंड एससी स्टूडेंट्स।